Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्यान संख्या चार में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसको कि हम मानव संसाधन योजना के नाम से जानते हैं मानव संसाधन योजना क्या है उसमें हम बात करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स की क्या उद्देश्य हैं उसका परिचय है। मानव संसाधन योजना क्या होता है उसके डेफिनेशन उसका इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा मानव संसाधन योजना की परिभाषाएँ उसके नेचर की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे मानव संसाधन प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में संस्थान में जो वो काम करते हैं तो किस उद्देश्यों का हम पालन करते हैं संगठनों में एच की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है समझना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है एच का महत्व क्या है आवश्यकता क्या है एच को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है एच का प्रोसेस क्या है क्या प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा हम एच प्लानिंग करते हैं सफल एच के लिए आवश्यकताएँ प्री रिक्विजेड जिनको हम कहते हैं क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है तभी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर पाएंगे इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बैरियर्स की क्या बाधाएँ हमें देखने को मिलती हैं जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आएंगी एच आर पी की प्रकृति और आवश्यकताओं को आप समझ पाएंगे बाई दी एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नीड ऑफ़ एच आर पी इसकी क्या प्रकृति है इसकी ज़रूरतें क्या हैं उसके बारे में आप विस्तार से जान पाएंगे वर्तमान संगठनात्मक प्रश्नक में मानव संसाधन योजना के महत्व को आप समझेंगे और साथ ही साथ आप समझ पाएंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या प्रोसेस है उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें शुरुआत करते हैं परिचय से मानव संसाधन प्लानिंग जैसा कि आप नाम से ही जानकारी समझ रहे होंगे मानव संसाधन मतलब एच कर्मचारी जो लोग हमारे संगठनों में काम करते हैं और प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग है पहले से ही तैयार रहना भविष्य में क्या होने वाला है और आज क्या है उसके लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार करने के लिए प्लानिंग करते हैं और मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फंक्शन है जो कार्य है वो प्लानिंग ही होता है जिसके द्वारा हम अपने आज और आने वाले कल के बीच के गैप को दूर करते हैं तो जब हम एच प्लानिंग की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हमें साफ़ तौर पर ये नज़र आता है कि हमें अपने कर्मचारियों के विषय में प्लानिंग करके चलना है संगठन में कैसे हम उनका चयन करेंगे किस तरीके से हम उन्हें संगठन में पोजीशनिंग करेंगे उनकी और उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को हम देखेंगे तो मानव संसाधन जो योजना है उसमें हम कहते हैं इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड फर्म हर तरीके के संगठन में इसका इस्तेमाल होता है चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे वो किसी प्रकार की हो क्योंकि अलग अलग प्रकार की संगठन है वाइड वैराइटीज़ हैं तो किस तरह से हम मानव संसाधन प्रबंधन को उसमें लागू करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानव संसाधन नियोजन प्रभावित करता है कि नियुक्त लोगों की भर्ती कैसे हो चयन कैसे हो और उन्हें बनाए रखने के दौरान क्या करते हैं न केवल उनको चयन करना है ना केवल उनको भर्ती करना है उनको बनाए रखना उनका रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है तो उस विषय में भी प्लानिंग करने में हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मदद करेगा और निश्चित रूप से क्रिय संगठनात्मक परिणामों और सफलता को प्रभावित करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग द पर्पज ऑफ एच आर पी इज टू मेक द मैनेजर बेटर इक्विप्ड फॉर फेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसके द्वारा आप अपने प्रबंधन को अपने मैनेजर को बहुत लायक बनाते हैं इसकेपेबल इस, इस, इस बनाते हैं कि वो आज की और आने वाली ज़रूरतों को पहले से ही समझ सके और उसके हिसाब से कार्य कर सके आगे जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर संगठन के लिए ताकि हम अपने संगठनों को अपने कर्मचारियों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें भविष्य के लिए तैयार रख सकें द बेसिक गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ टू द फ्यूचर एंड बेस्ड ऑन दिस प्रोडिक्शन इम्प्लीमेंट प्रोग्राम टू अवॉइड एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स आने वाले समय में जो भी समस्याएँ आने वाली हैं या जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है पूरी हद तक हंड्रेड परसेंट तो हम नहीं कर सकते हैं बट डेफिनेटली जब हम फोरकास्टिंग करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को पहले से प्रेडिकट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रखते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें उसकी तैयारी में मदद करता है क्योंकि अचानक से कोई बदलाव अगर आता है और उसको फिर हम सही समय पर टेकअप नहीं कर पाएंगे तो पहले से हमें अपने आप को तैयार रखना है भविष्य के लिए भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए अपनी उन योजनाओं को बना के चलना है क्योंकि जो अगर हम अगर देखें आज के दौर में जो कंपटीशन है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस तरीके से नई नई तकनीकियां आ रही हैं नए नए बदलाव आ रहे हैं दिन प्रतिदिन लोग नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं तो अगर हम उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इतना डेवलप नहीं करते हैं उनके स्किल्स नॉलेज को नहीं हम इनहस करेंगे तो आने वाले समय में हमारा उन संगठनों का सरवाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए तो उसके लिए मानव संसाधन योजना हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसी में आगे हम बात करते हैं मानव संसाधन योजना जो है वो एक प्रोसेस है एक प्रक्रिया है जिसमें आप पूरी तरीके से एग्जामिन करते हैं पूरी तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की एक संगठन की एक एक व्यक्तित्व की क्या जरूरतें हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर को लेके किस तरीके की कि स्किल्स की हमें जरूरत होगी किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं फ्यूचर में जॉब्स में क्या कैपेबिलिटीज़ हमें क्या डेवलप करनी पड़ेंगी किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हमें करानी होगी उनका डेवलपमेंट हमें कराना होगा ताकि हम उनको इन सब सम, चीज़ों के लिए तैयार कर सकें और उनका माइंडसेट कर सकें ताकि आने वाले बदलाव में वो परेशान ना हो और अपने आप को इस लायक ना समझें कि उन कार्य पे वो काम कर ना पाए कुछ डेफिनेशंस की कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं जो दी गई हैं मानव संसाधन योजनाओं के लिए इसमें सबसे पहले जो बात की है उन्होंने गर्दन बीत के अनुसार एच दो चीज़ों से संबंधित है जनशक्ति आवश्यकताओं की योजना और जनशक्ति अपू की योजना जिसमें हम बात करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट की एंड प्लानिंग ऑफ मैन पावर सप्लाईज़ की आपको दो ही चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि कितने लोगों की आवश्यकता है मैन पावर प्लानिंग आपको ये ध्यान रखना है कि संगठन में कितने लोगों की ज़रूरत होगी किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी उनके बारे में पूरी तरह से प्लान करना और उनकी सप्लाई कैसे होगी जो डिमांड है उसको हम कैसे मीट करेंगे कहाँ से हम उसको परिपूर्ण पूर करेंगे उन सारी चीज़ों की प्लानिंग को ही हम मानव संसाधन योजनाओं के साथ समझते हैं दूसरी परिभाषा जो है वो बीच के अनुसार है एच आर पी ये निर्धारित करने और मानने की एक प्रक्रिया है कि संगठन के पास पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति होंगे जो उचित समय पर उपलब्ध होंगे जो उद्यम की ज़रूरतों को पूरा करें वाले कार्य करेंगे और जो इसमें शामिल व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करेंगे तो बीच के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि एचआर प्लानिंग सीधा सीधा बस यही ध्यान रखने की योजना है कि हमारे संगठन में कितने लोगों की ज़रूरत है वो लोग वहाँ संगठन में हो सही तरीके से उस कार्य को करें संख्या का भी बहुत बड़ा महत्व है कि उस संख्या में योग हमारे पास है या नहीं उचित समय पर उनका होना बड़ा ज़रूरी है वी नीड टू हैव राइट पर्सन एट दी राइट टाइम जिसको हम बार बार बोलते हैं वी नीड टू प्लेस दैम एट दी राइट प्लेस एज वेल राइट पोजिशन ऑल्सो अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों को अपने गोलों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर पाएंगे तो मानव संसाधन योजना का पूरी तरह से यही एक दायित्व है यही एक जिम्मेदारी है कि वो इस बात को निश्चित करें कि जितने संख्या में लोगों की ज़रूरत है उस संख्या में वो लोग वहाँ पर हों सही समय पर हों और उस कार्य को पूरा करने में वो सक्षम हो, इस लायक हो ताकि संगठन का जो हमारा उद्देश्य है वो हम पूरा कर सकें एच आर पी का जो एक प्रोसेस है वो चार चरणों में हमने डिवाइड किया है चार चार, चार चरणों वाली प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें सबसे पहले फेस की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें कैदर करनी है एनालाइज करना है डेटा को क्या चीज़ें ज़रूरत हैं जैसे हमने बात करी थी जॉब एनालिसिस की अपने पिछले व्याख्यान में जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह की नौकरियाँ हैं हमारे यहाँ और कितनी नौकरियाँ हैं तो हम वो सारा डेटा वो सारा एनालिसिस करते हैं जिसमें जनशक्ति सूची बनाते हैं पूर्वानुमान के माध्यम से डेटा को एकत्रित करते हैं कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जब तक आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं होगा आप रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे तो दूसरे चरण में जो हम करते हैं उसमें हम स्टैब्लिश करते हैं मैन पावर ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स से ताकि हमें उन चीज़ों के अप्रूवल मिल सकें और उसके आगे उसी हिसाब से हम कार्य कर सकें जो हमारे यहाँ लोग आने वाले हैं काम करने के लिए उनके क्या उद्देश्य हैं जो काम कर रहे हैं और हमारे संस्थान का क्या ऑब्जेक्टिव है उन सारी चीज़ों को हम एक लिंक के द्वारा जोड़ते हैं और उसके लिए हायर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल्स लेते हैं तीसरे चरण में यहाँ पर हम संगठन को अपने जनशक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने में समक्ष बनाने के लिए योजनाओं और प्रचारों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना शामिल होता है जिसमें कि आप डिज़ाइन करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को और प्रमोशंस को ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने मैन पावर ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके, और जो इसका चौथा चरण है वो कहता है कि संगठन और व्यक्ति दोनों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए जनशक्ति योजनाओं के निरंतर और मूल्यांकन से संबंधित है जिसमें दीर्घकाल दृष्टिकोण का अर्थ है कि भविष्य के आधार पर अपलाविधि में लाभ का त्याग किया जा सकता है नियोजन प्रक्रिया संगठन को ये पहचानने में समक्ष बनाती हैं उनकी जनशक्ति की क्या आवश्यकता है और किन संभवत जनशक्तियाँ समस्याओं के लिए वर्तमान कराई की आवश्यकता है इससे अधिक प्रभावी और कुशल प्रदर्शन होता है तो जो चौथा चरण है वो कहता है कि इसमें हम मैन पावर को इवेलुएट करते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और उनको मैन पावर को दोनों को ही इसमें लाभ हो और लॉन्ग रन में देखा जाए तो दोनों ही अपनी ज़रूरतों को अपने फ़ायदों को पूरी तरीके से पूरा कर सकें शॉर्ट रन जो गोल्स हैं वो भी हम अटेन कर सकें तो इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है इस तरीके से हमें चीज़ों को सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन और मैन पावर गोल दोनों ही तरीके से हमारे पूरे हों आगे हम बात करेंगे इसकी प्रकृति की एचआरपी का जो नेचर है वो कैसा है क्या प्रकृति है किन चीजों पे ये ध्यान देता है सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फोकस की तो एच प्लानिंग का सीधा सीधा फोकस है कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ पीपल हो जो कर्मचारी हो वो सही संख्या में हो सही कैपेबिलिटीज के साथ हों उनकी जो क्षमताएं हैं वो बिल्कुल उसी लायक हो, उनके जॉब की जो डिस्क्रिप्शन हैं जिस तरह की नौकरियां हैं जिस तरीके का कार्य उन्हें करना है उसके हिसाब से हो, सही समय पर हो और सही जगह पर हो। तो सबसे पहला जो एच प्लानिंग का कार्य है वो यही है राइट नंबर ऑफ पीपल एट विद राइट कैपेबिलिटीज़ राइट टाइम एट राइट प्लेस दूसरा जो नेचर है वो कहता है कि एच प्लानिंग कंसिडर करता है कि कैसे अवेलेबिलिटी और एलोकेट करना है लोगों को निश्चित कराता है कि उतने लोग हमारे यहाँ पर कैसे अवेलेबल रहेंगे और किस तरीके से हम उनको एलोकेट करेंगे अलग अलग जगह पर ताकि हमारी जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स हैं हमें केवल ऐसा नहीं है आज के लिए ये प्लानिंग करनी है प्लानिंग का मतलब है लंबे समय की आप प्लानिंग करते हैं प्लानिंग वैसे भी दो भागे में डिवाइडेड है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन तो छोटे समय की या कम समय की जो हम प्लानिंग करते हैं वो अमूमन छः महीने या साल भर के लिए करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा की प्लानिंग को हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो ये जो एच योजना है एच प्लानिंग की जो योजना है ये सुनिश्चित कराती है कि आप अपने संगठन के लिए एक एक लंबे समय तक के लिए ये प्लानिंग करके चलें कि आप जो फ्यूचर में आने वाली रिक्वायरमेंट है उनको आप किस तरीके से पूरा करेंगे नॉट जस्ट फॉर अ मंथ और अ नेक्स्ट ईयर एच क्या है एक सब सिस्टम है टोटल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का जैसे हम जैसे संगठन के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं हर तरीके से हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि कार्य कैसे होना है किस तरह से कार्य होना है उसके लिए भी हम पहले से ही पूरी प्लानिंग करते हैं तो एच प्लानिंग जो है जो मानव संसाधन योजना है उसी का एक हिस्सा है उसका ही एक सब सिस्टम है जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे उन्हें हम कैसे चयन करेंगे अगर कम है तो चयन करना है अगर ज़्यादा है तो उनको ले ऑफ़ भी करना है उनका कटिंग कैसे करना है ठीक है जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें किस तरह से बढ़ाना या घटाना है ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें आगे कम काम करते हैं आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसकी योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है क्या उद्देश्य है किस चीज़ को पूरा करने के लिए ये की जाती है तो सबसे पहले इसको किया जाता है ये ये संगठन में वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधनों का स्तम उपयोग सुनिश्चित करना कि जो भी हमारे यहाँ लोग कार्य कर रहे हैं क्या हम उन्हें पूरी तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है हम किसी को अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं या ऐसा तो नहीं है हम किसी को ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि मानव के कार्य करने की एक क्षमता होती है उसका एक पोटेंशियल होता है उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें ताकि हम उनका बेस्ट ले सकें दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव ये है देखना कि जो हमारा आने वाला समय है उसमें किस तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है किस तरीके कौशल की आवश्यकता है उसको पहले से ही पता कर लेना उन फ्यूचर नीड्स को रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही सुनिश्चित करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक उद्देश्य है तीसरा ये ऑल्सो दे प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड वेन रिक्वायर्ड इनको ये भी देखना है इनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जितने लोगों की जिस समय पे हमें ज़रूरत है वो उस समय पर हमारे पास अवेलेबल हो ऐसा ना हो कि हम प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन जिस समय पे हमें उनकी ज़रूरत है या उतने लोग हमारे पास होने चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं हैं हम सही समय पे उनका चयन नहीं कर पाए हैं और कार्य करने के लिए वो लोग नहीं हैं तो जो हमारी प्लानिंग है या जो हमारी योजना है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी फ़ेल हो जाएगी तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जब जिस तरह की ज़रूरत हो उसको हम पूरा कर पाएँ आगे इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम मैन पावर प्लानिंग का एक लिंक जोड़ें संगठन बनाएँ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उद्देश्य हैं हमारे संस्थान के वो कर्मचारियों के उद्देश्य से मिलें ताकि दोनों लोग एक साथ बढ़ोतरी कर सकें दोनों की ग्रोथ हो दोनों का ही डेवलपमेंट हो ये ये भी निश्चित कराते हैं कि भर्ती स्तर निर्धारित करना ज़रूरी है किस तरीके से हम लोगों का चयन करेंगे कैसे हम उनका आ, उनको भर्ती करेंगे क्या हमारे रिक्रूटमेंट लेवल्स होंगे किस तरीके से हमें लोग चाहिए कहाँ से हम रिक्रूटमेंट करेंगे रिडंडेंसीज को अतिरेक की आशा करना टू एंटिसिपेट रिडंडेंसीज अगर कोई समस्या आने वाली है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है कहीं कोई गैप है उसको पहले से ही पता कर लेना उसको पहले से ही आ, समझ लेना उसके लिए तैयार हो जाना उसी हिसाब से प्रक्रियाओं को बनाना ये सारे उद्देश्य मानव संसाधन योजना के हैं इसमें ये भी देखते हैं कि सही तरीके से लोगों को यू नो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने स्किल्स को अपने अ, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें और अपने आप को आज के साथ साथ फ्यूचर के आने वाली आ, योजनाओं के लिए या अपने कार्यों के लिए भी तैयार रख सकें इसके अलावा मानव संसाधन का ये भी उद्देश्य है कि वो एक बेसिस प्रोवाइड करें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताकि हमारे संगठन में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें जो हमारे लोगों को डेवलप कराने में उनको आगे बढ़ाने में मदद करें मानव संसाधन योजना का उद्देश्य है कॉस्ट को कम करना जनशक्ति की लागत के लिए जनशक्ति जो हमारे कर्मचारी हैं उनमें जो भी लागत लग रही है उस लागत को हम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन uh, के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करें इनको प्रोडक्टिवली बारगेनिंग करना कहीं ना कहीं उत्पादन करता सौदेबाजी में सहायता करता है अगर हमारी जो एम्प्लॉज़ हैं अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं अगर वो एफिशेंटली वर्क कर रहे हैं तो उनको हमें आगे कैसे बढ़ाना है उसमें भी वो मदद करेगा ये मदद करता है कि फ्यूचर अकोमोडेशन को कैसे हम पूरा करेंगे हमारी आवश्यकता है भविष्य में आवास की आवश्यकता का आकलन करना कितने लोगों की ज़रूरत है हमें उस हिसाब से हम उनको अपने पास अकोमोडेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे संस्थान में वो सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं उनको पहले से ही सुनिश्चित करना अगर आपकी संस्थान बहुत अच्छा कर रही है ग्रो कर रही है डेफ़िनेटली जब ग्रो करेगी तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी और उन ज़्यादा लोगों को आपको अकोमोडेट भी करना होगा तो उन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना मानव संसाधन योजना का एक हिस्सा है ये पहले से ही समझना चाहते हैं कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या रहेंगे और हम कैसे इन सर्विसेज को फंक्शन करेंगे कैसे हम उनको सर्व करेंगे ये भी मानव संसाधन योजना के ही उद्देश्य में आता है और ये डिटरमाइन करते हैं वेदर सर्टेन एक्टिविटी नीड्स टू बी सब कॉन्ट्रैक्टेड और नॉट बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं आउटसोर्स करते हैं तो जो संस्थान के अतिरिक्त चीज़ें हम मैनेज कर पाते हैं जिनको हम समझ पाते हैं वो अपने संस्थान के द्वारा पूरी करते हैं नहीं तो हम उनको सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं आउटसोर्स भी करते हैं ताकि हमारे संगठन के कार्य को हम चलाते रहें और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे अगर हम मानव संसाधन के ऑब्जेक्टिव को समराइज़ करें और तो हम देखते हैं कि मानव संसाधन के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहले आता है फ़ोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान पहले से ही आप फोरकास्ट कर लें पहले से ही या पूर्वानुमान लगा लें कि कितने लोगों की आपकी संस्थान में ज़रूरत है किस संगठन में मानव संसाधन की भविष्य की ज़रूरतों को निर्धारित करने के लिए एच की आवश्यकता होती है इसकी इसकी ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत इसीलिए कि आप पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि आपके आने वाले समय में संगठन में किस तरह से लोगों की ज़रूरत होगी इस योजना के अभाव में सही समय पर सही प्रकार के लोगों को उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन है ये कोई आसान कार्य नहीं है जो हम मानव संसाधन योजना के तहत बात कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में कितने लोगों की किस समय पे उन सही लोगों को अवेलेबल कराना इंश्योर कराना और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी इन सब चीज़ों को प्लान करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है किसी संगठन के सक्सेस के लिए नहीं अन्यथा आपके कार्य रुक सकते हैं दूसरा है इसमें परिवर्तन का प्रभावी बंधन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज आपका जो मैनेजमेंट है वो कितना इफेक्टिव है उस किस में किस प्रकार के चेंजेस आप ला रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द चेंजेस इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच इफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान के बाहर जो भी बदलाव हैं अगर हम उनको सही तरीके से नहीं देखेंगे उसके साथ कोप अप नहीं करेंगे अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे कि हम उन रिक्वायरमेंट्स को फ्यूचर जॉब्स को पूरा कर सकें तो हम कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाएंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे संगठन को नुकसान दे सकती है और इन परिवर्तनों के लिए संगठन में आवंटन या पुनआवंटन एलोकेशन और री एलोकेशन और मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग की निरंतरता ताकि आवश्यक है तो इसमें हमें इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारियों को बढ़ावा देना संगठनात्मक लक्ष्यों को साकार करना गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे गोल्स हैं ताकि हमारे जो मीट आउट दी एक्सपेंशन एंड दी अदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दी प्लानिंग इज असेंशियल अगर आपको संगठन का उद्देश्य पूरा करना है विस्तार और अन्य संगठन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए संगठनात्मक मानव संसाधन योजना का होना बहुत ही आवश्यक है अगर इस तरह की योजनाएं हम नहीं करेंगे तो बहुत कठिन होगा हमारे लिए हमारे संगठन के जो गोल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाना हमारे को अपने कर्मचारियों को प्रमोट भी करना चाहिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए एच कर्मचारी डेटा के रूप में फीडबैक भी देता है ये लोगों को बताता है कि क्या कमियां रहीं क्या उनके किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसका उपयोग संगठन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पतोत्तरी के अवसरों में निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है जब आपको लोगों को प्रमोट करना है उनको हायर पोजीशन में उनका जॉब एनरिच करना है तो उस समय पे उनके उनके द्वारा कार्य किया गया उनका जो फीडबैक है उन्हें दिया जाता है जो संगठन को मदद करता है कि हायर जो पोजिशन है उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए ये ये भी ध्यान रखता है कि कैसे हम मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करें कोई भी कार्य कर्मचारी जो हमारे संस्थान में काम कर रहा है उसका पूरी तरीके से सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम संस्थान की कॉस्ट को संस्थान के चीज़ों को नुकसान दे रहे हैं और जो कॉस्ट आनी चाहिए या जो जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए वो उतना बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा डेटा बेस मानव संसाधना संसाधनों में अधिशेष और कमी को पहचान करने में उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा एचआरपी का उद्देश्य उचित रणनीति विकसित करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक क्षमताओं को बनाए रखना और सुधारना है जिसके परिणाम स्वरूप एच की अधिमिक्ति योग योगदान होगा अगर हम पूरी तरीके से उन कर्मचारियों को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को मैक्सिमम तरीके से पूरा कर पाएंगे आज के समय जब हम बात करते हैं एच की ज़रूरत क्या है अलग अलग लेवल्स पे इनका क्या रिक्वायरमेंट है ना केवल संगठन के लेवल पे बल्कि अगर हम पूरे विश्व के पूरे देश के लेवल पे बात करते हैं तो जो मानव संसाधन योजना है वो हर जगह रिक्वायर्ड है जैसे कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पे इसकी क्या ज़रूरत है आमतौर पर सरकार द्वारा किया द्वारा किया जाता है कि इसमें जनसंख्या अनुमान आर्थिक विकास कार्यक्रम शैक्षिक सुविधाएं व्यावसायिक वितरण और विकास कर्मियों की औद्योगिक और भूगोलिक गतिशीलता जैसी चीज़ें शामिल होती हैं तो नेशनल लेवल पर भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ये ध्यान रखती है कि कितने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन हैं हमारे यहाँ पर किस तरीके की हमारे को अगर अपनी इकनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो किस तरीके के प्रोग्राम्स को हमें चालू करना होगा लोगों को शिक्षक शैक्षिक सुविधाएं कैसे देनी है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ग्रोथ कैसे होगी ये सारी चीज़ों का भी हम एच प्लानिंग में ध्यान रखते हैं जब हम नेशनल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं सेक्टर स्तर पर जब हम सेक्टरल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं गवर्नमेंट द्वारा की जाती है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है ये कवर करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर को हमारी जो अलग अलग, अलग जो काम कर रहे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे एग्रीकल्चर तीन तरीके के सेक्टर्स हैं प्राइमरी जो है वो एग्रीकल्चर है सेकेंडरी हमारा इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और तीसरा हमारा टर्चरी जो सर्विस सेक्टर है उसमें किस तरीके से कार्य हो रहा है वहाँ कितने लोगों की ज़रूरत है किस तरह से हम उनको अकोमोडेट करा सकते हैं उसकी प्लानिंग हम सेक्टर लेवल पर करते हैं इंडस्ट्री लेवल पर भी हम एच प्लानिंग करते हैं जिसको कि हम उद्योग स्तर पर बात कर रहे हैं इसमें विशिष्ट उद्योगों जैसे सीमेंट इंजीनियरिंग भारी उद्योग उपभोक्ता सामान और सार्वजनिक उपयोग उपयोक्ता उद्योग आदि के लिए जनशक्ति पूर्व अनुमान शामिल हो सकता है जब लोग पढ़ाई करते हैं उसमें यह भी देखते हैं कि भाई आगे जाके किस सेक्टर में लोगों की रिक्वायरमेंट है हमें किस तरीके की पढ़ाई करना है इंजीनियर बनना है तो किस फील्ड में इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है तो किस जगह पर डॉक्टर बनना है उन सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है वो औद्योगिक स्तर पर की जाती है किस तरीके के लोगों की ज़रूरत किस इंडस्ट्री में होगी जैसे अलग अलग स्पेसिफ़िक इंडस्ट्रीज़ हैं सीमेंट इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी हमें वहाँ कितने लोग भर्ती करने होंगे इंजीनियरिंग फील्ड में कितने लोगों की ज़रूरत होगी हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी अब इंडस्ट्री लेवल पर स्टडी करते हैं इसकी योजनाएं बनाते हैं इसकी प्लानिंग करते हैं उसी हिसाब से हम उतने लोगों को उस समय पर तैयार कर सकें इसके अलावा हम इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पे जिसमें व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि आप मान मैन पावर नीड्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल अलग अलग काम के लिए किस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट है आपके अंदर क्या स्किल्स और क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्या नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उन वेराइटीज़ ऑफ जॉब्स को फुलफ़िल कर सकें मानव संसाधन की आवश्यकता हमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशनों में काम आती है जिसको हम रोजगार बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं हालांकि सामान्य तौर पर शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ा रही बढ़ रही है विभिन्न प्रकार के कौशल की भारी कमी है यह आर्थिक प्रभाव भर्ती और कर्मचारी प्रतिधारणा की आवश्यकता पर जोर देता है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरल नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन राइज बढ़ रहा है एक्विट शॉर्टेज है वैराइटीज़ ऑफ स्किल्स की लोगों के पास जो नॉलेज होनी चाहिए जो स्किल्स होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है उसकी तो वो एम्फेसाइज़ करता है कि कैसे हम अपने रिक्रूटमेंट को अपने एम्प्लॉय रिटेंशन को और बेहतर कर सकें इसकी ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी पड़ती है जो तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं उत्पादनों प्रतियोगिकियों में विपणन विविधियों और प्रबंधन तकनीकों की तकनीकियों में परिवर्तन व्यापक और तेज हो रहे हैं उनका प्रभाव कार्य सामग्री और कार्य संदर्भों पर गहरा हो रहा है इन परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त प्रतिधारणा और पुन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ये सभी जनशक्ति आवश्यकताओं को गहनता और व्यवस्थित ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता का सुझाव देते हैं जो तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जैसा कि हम जानते हैं हर तरीके के बदलाव हर चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं मार्केटिंग मैथड्स बदल रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक जो हैं उनमें बहुत जल्दी बदलाव आ रहे हैं तो इन सारे बदलावों के साथ साथ हमें उन लोगों की भी ज़रूरत होगी जो इस बदलते दौर में बदलती रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो उनके प्रोफाउंड जॉब कंटेंट्स को और कंटेंट uh, को हम स्टडी करेंगे ताकि हम उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और रिडंडेंसीज uh, में रिटेंशन में और रीडिप्लॉयमेंट में हम उनको लागू कर सकें और एक सिस्टमेटिक प्लान हम उनको बता सकें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है डेमोग्राफिक चेंज में भी क्योंकि आज के समय पे डेमोग्राफिकली बहुत सारे चेंजेस हैं हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है सिलेक्शन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है हम उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों तरीके से अपने यहाँ पर लोगों को चयन कर रहे हैं तो वर्क जो है उसमें बहुत सारे तरीके के लोग काम कर रहे हैं जिसमें उनमें डिफ्रेंसेज हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एज सेक्स लिटरेसी टेक्निकल इनपुट्स एज वेल एज देयर सोशल बैकग्राउंड तो जब हम इन सारे लोगों को एक साथ कार्य कराते हैं और उनको कार्य कराने के साथ साथ हमें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी डायवर्सिटी का भी ध्यान रखना है हमें उनकी स्किल्स uh, का नॉलेज का उनके डेवलपमेंट का उनको ट्रेनिंग देने में इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है तो हमें बहुत हद तक ये देखना होगा कि हम किस तरीके से मानव संसाधन योजना का प्रयोग करेंगे कौशल की कमी आज के समय में हम जानते हैं कि स्किल शॉर्टेज है लोगों के पास कौशल की कमी है तो बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं है कि श्रम बाज़ार एक ख़रीदार का बाज़ार है संगठन आमतौर पर अधिक जटिल हो जाते हैं और उन्हें व्यापक स्तर के विशेषज्ञ कौशल की आवश्यकता होती है जो दुर्लभ और डराने वाली होते हैं किसी संगठन में समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब ऐसे विशिष्ट कौशल वाले कर्मचारी चले जाते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है वैसे भी स्किल शॉर्टेज है तो अगर हम अपने संगठन में जो कार्य कर रहे हैं लोग हैं जिनके पास इस तरीके की, की स्किल्स हैं नॉलेज है, है रिक्वायरमें ऑलरेडी uh, क्वालिफ़िकेशन है अगर हम उन्हें भी अपने संगठन में रोक नहीं पाए रिटेन नहीं कर पाए तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा उन संगठनों को कम्पीट uh, करना क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में सही लोगों को लाना और सही स्किल सेट के साथ लाना एक कार्य है उसके साथ साथ उन्हें अपने संगठन में बनाए रखना या उनको रिटेन रखना उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है तो दोनों को ही हमें देखना है और उसके हिसाब से प्लानिंग करके चलनी है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस सरकारी प्रभाव आजकल बहुत है वंचित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई काम करने की स्थिति और काम के घंटे महिलाओं और बल बाल रोजगार पर प्रतिबंध आकस्मिक और अनुबंध श्रम आदि के संबंध में सरकारी नियंत्रण और कानून के बदलाव में संगठनों को वैश्विक एचआर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं जो सरकार है वो बहुत सारे नियम और कानून लगाती है बहुत सारे लेबर लॉज हैं जो जो संगठनों को फॉलो करने पड़ते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे वुमेंस के लिए चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स में आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए और पूरी तरीके से लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है लेजिस्लेटिव कंट्रोल विधेय नियंत्रण ये पॉलिसीज़ जो हायर और फायर हैव गॉन नाउ आपने लोगों को लाया और निकाला नाउ दी लेगिस्लेशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्विकली एंड चीपली पहले समय पे मनमानियाँ चलती थी प्राइवेट संस्थान जो थी वो अपने हिसाब से कार्य करते थे बट आज के समय पे इतना आसान नहीं है अगर आप किसी एम्प्लॉय को लाए हैं उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर वो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स रखता है तो उसको आप एकदम से निकाल नहीं सकते हैं तो बहुत सारे संविधान ऐसे हैं बहुत सारे लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऐसे हैं जो संगठनों को मानने हैं उनको पूरी तरीके से उनपे कार्य करना है तो इसका जो जिम्मेदारी है या जो इस पर देख करता है वो मानव संसाधन योजना के द्वारा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से हम इन लेगिस्लेटर्स लेगिस्लेटिव कंट्रोल को टेकअप करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील कराते हैं इंपैक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप दबाव समूह का प्रभाव यूनियनों राजनेताओं और विशाल उद्यमों के साथ से भूमि के विस्पदाधिक व्यक्तियों जैसे दबाव समूह उद्यम प्रबंधन पर अतिरिक्त भर्ती और प्रदोत्ती कर्मचारियों के बच्चे को प्राथमिकता विस्पतिक व्यक्ति मिट्टी के बेटे जैसे विरासभाषी दबाव बढ़ा रहे हैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जैसे हम देखने को मिलता है हमें राइजिंग कॉन्ट्राडिक्ट्री प्रेशर ऑन एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट इंटरनल रिक्रूटमेंट का प्रेशर होता है प्रमोशन का प्रेशर होता है अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को आप प्रेफरेंस देते हैं डिसप्लेस करते हैं पर्सन को सन ऑफ सॉइल की आप बात करते हैं तो ये सारे जो फीयर ग्रुप के प्रेशर्स हैं ये भी संगठनों को बहुत हद तक देखने पड़ते हैं बट जो मानव संसाधन योजना है वो इस परिपूर्ण तरीके से कार्य करती है और वो सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि इस तरीके के प्रेशर्स में इस तरीके के दबाव में एच प्लानिंग जो है वो सही तरीके से हो पाए लीड टाइम सिस्टम अप्रोच सिस्टम दृष्टिकोण क्या कहता है द स्प्रेड ऑफ सिस्टम थिंकिंग एंड एडवेंट ऑफ मैक्रो कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विच एम्फिसाइजेस प्लानिंग एंड न्यूअर वेज ऑफ हैंडलिंग वॉल्यूमिनस पर्सनल रिकॉर्ड आज के समय पे हमारे को एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी पड़ती है जिसमें टेक्नोलॉजिकली आप जो कार्य कर रहे हैं उनका पूरा डेटा और रिकॉर्ड मेंटेन रहे ताकि सही प्रकार से वो कार्य पूर्ण हो सके लीड टाइम बहुत ज़रूरी है नए ज्ञान और कौशल को सफलतापूर्वक संभालने के लिए कर्मचारी का चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण और तैनाती में लॉन्ग लीड टाइम आवश्यक है कितना टाइम लोगों ने दिया कितना नेसेसरी है उनके सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डेवलपमेंट में ताकि वो नई स्किल्स को नए नॉलेज को सक्सेसफुली गेन कर सकें अब बात करेंगे एचआरपी की आवश्यकता की इसका महत्व क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम मानव संसाधन योजना की बात कर रहे हैं इसको होने से हमारे संगठन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं सबसे पहला फ़ायदा है फ्यूचर पर्सनल नीड या फ्यूचर भविष्य की क्रमिक आवश्यकताएँ जितने भी लोगों की हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम इसके द्वारा जान सकते हैं पहले से ही अपने आप को तैयार रख सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं पर हम परेशान ना हों और उनको पूरी तरीके से कर पाएँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एक हिस्सा है जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी इसके नेचर में ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का ही एक हिस्सा है एच प्लानिंग जो भी हम संगठन के स्तर पर जो प्लानिंग करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं कि कार्य कैसे होना चाहिए उसी का ये एक हिस्सा है जिसमें वो देखने में मदद करता है कि कितने लोग और किस तरीके के लोग हमारे को रिक्वायर्ड होंगे आज के समय पे और आने वाले समय पे और हम ये सुनिश्चित करें कि उन लोगों की हम अवेलेबिलिटी रख सकें ये ये भी मदद करता है कि कैसे आप अपने कर्मचारियों को प्रतिभाशाली बनाएं टैलेंटेड बनाएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग इसलिए ज़रूरत है ताकि आप अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रतिभाशाली बना सकें उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा इस लायक बनाएं कि वो आने वाले समय में अपने आप को तैयार रख सकें ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में मदद करता है क्योंकि जो प्लानिंग है वो नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कर रहे हैं क्या बदलाव हैं क्योंकि हमारा जो आज कंपटीशन है वो नेशनल लेवल पे नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे है तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं जिस तरीके की नई नई चीज़ें आ रही हैं किस तरह से हमें स्ट्रैटेजिकली उन इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को टेकअप करना है उसके लिए हम यहाँ पर कार्य करते हैं इट इज़ ऑल्सो अ फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फंक्शन जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर किस तरीके से कार्य होना चाहिए उन्हें कैसे हम प्रमोशन देंगे उनकी क्या बेनिफिट्स होने चाहिए इंसेंटिव सैलरी ये सारी चीजें उनको देखने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है एचआरपी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स आज जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने कर्मचारियों पे जो भी हम कॉस्ट लगाते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि मानव संसाधन प्रबंधन में हम इसको कॉस्ट ना मान के इन्वेस्टमेंट मानते हैं क्योंकि आज हम अपने लोगों पे जो खर्चा कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे संगठन को ही फायदेमंद रहेंगी तो उस भरते हुए उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए उन पर प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है बहुत सारे लोग चेंज के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं वो क्या करते हैं विरोध करते हैं परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं तो एचआर प्लानिंग इसमें मदद कर रहा है हमारी कि कैसे हम लोगों को तैयार करें कि भविष्य में आने वाले जो बदलाव हैं उसके लिए वो सही तरीके से कार्य करें डाइन और स्टाफ प्रबंधनों की दृष्टिकोण को एकजुट कराना उनके व्यू पॉइंट्स को मैच कराने में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी मदद करता है और यह सक्सेशन प्लानिंग में भी हमारी मदद करता है सक्सेशन प्लानिंग क्या है जिसको हम उत्तरादायिक उत्तराधिकारी की योजना बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना सक्सेशन प्लानिंग मीन्स फ्यूचर में मान लीजिए कोई एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अचानक चला जाता है छोड़ देता है आपके संस्थान को तो उस जगह को आप कैसे पूर्ण करेंगे उस जगह को कैसे आप फुलफ़िल करेंगे या कोई अनहोनी हो जाती है किसी आ, अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से कोई इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो इस लायक नहीं रहता कि वो उस कार्य को कर सके तो अचानक से जब वो पोजीशन खाली होती है तो उसको संभालेगा कौन उसको कौन टेकअप करेगा वो सारी प्लानिंग भी मानव संसाधन योजना के तहत आती है जिसको कि हम सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं उत्तराधारी की योजना बनाना इसके कुछ और भी फायदे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अगर हम फायदों की बात करें तो इसमें जो एच प्लानिंग है वो हमको मदद करता है कि हम जो पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम चला रहे हैं प्र, प्रबंधन के तहत वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है उनसे उनको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा उनकी क्षमताएँ उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी इफ़ेक्टिवनेस में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें ये भी डेवलप करने में मदद करता है कि लोगों को सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उनका उनका जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से प्रभावी है या नहीं या लोगों को हम जागरूक कर पा रहे हैं या नहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त ज्ञान अनुभव और योग्यता वाले कर्मचारियों के चयन और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है ताकि संगठन संगनात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके और प्राप्त किया जा सके ये भी देखता है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ की टाइम टू टाइम नॉलेज को स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और अपग्रेड कराने के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद कर रहे हैं या नहीं एच कंपनी को अपनी मानव संसाधन नीतियों और प्रार्थों की समीक्षा और संशोधन करने और बेहतर उपयोग के लिए मानव संसाधनों के उपयोगों के तरीके की जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करती है ये ये भी देखती है कि किस तरीके से आप कंपनी के रिव्यू कर सकें मॉडिफाई कर सकें उनकी पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस को ताकि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक कर्मचारी का सही तरीके से इस्तेमाल हो और उनका कहीं कोई शोषण ना हो अब डिस्कस करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो एच आर योजना है मानव संसाधन योजना है उसको क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इनको हम अलग अलग भाग्य में पढ़ रहे हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकल एंड प्लानिंग आपके जो संगठन हैं उसकी क्या प्लानिंग है किस तरीके से वो अपने आप को देख रही है वो अपने ग्रोथ को किस तरीके से प्लान कर रही है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है जितने बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएँगे उस संगठन के अंदर आएंगे संस्थान के अंदर आएंगे, उसी तरीके से मानव संसाधन योजनाओं में भी ज़रूरत पड़ेगी आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे से बड़ा बन रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में प्लानिंग में आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो मानव संसाधन योजना में फ़र्क डालेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं बहुत सारे अनसर्टेन इन्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जो एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलती हैं आउटसोर्सिंग हम करते हैं अपने यहाँ से जैसे हमने की बताया कि बाहर से कार्य कराते हैं हम लोगों से अगर हमारे यहाँ लोग अवेलेबल नहीं हैं या कुछ कार्य हमें कराने हैं उनको कैसे हम टेकअप करेंगे आउटसोर्स करके नेचर ऑफ जॉब्स बींग फिल्ड किस तरह की जॉब्स जो हैं वो हमें फुलफ़िल करानी हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उन जॉब के डिस्क्रिप्शन क्या हैं किस तरीके के लोगों की हमें ज़रूरत होगी उसके बारे में ये बताता है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इन्फॉमेशन कैसे आप Uh, किस तरीके की और uh, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फोरकास्टिंग जो है वो किस लेवल पर करेंगे आप टाइम हॉरिजन क्या है आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं आप या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं एंड टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की वो संगठन संस्थान हैं और क्या स्ट्रैटेजीज़ वो बना रही हैं ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो जब हम मानव संसाधन योजना बनाते हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं चलिए बात करते हैं मानव संसाधन योजना के प्रोसेस की क्या प्रक्रिया हम यूज़ करते हैं क्या प्रक्रिया हम बनाते हैं जिसके द्वारा हम सुनिश्चित कराते हैं कि हमारे संगठन में सही संख्या में सही लोग सही समय पर मौजूद रहें तो इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इन्वायरमेंट का एक इन्वायरमेंट किस तरीके का है किस इन्वायरमेंट में हम हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑर्गेनाइजेशन के फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और पॉलिसीज़ की आप देखिए एक तरफ़ हमारी डिमांड है और एक तरफ हमारी सप्लाई है तो ये डिमांड और सप्लाई जो है ये फुलफ़िल करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को मैच करने में उसके द्वारा हम एच प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं लागू करते हैं और उसको लागू करने के बाद हम उसका कंट्रोल और इवेल्यूशन करते हैं अगर हमारे पास सरप्लस है ज़्यादा लोग हैं अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमने लोगों को चैन कर लिया है तो उसमें रिटायरमेंट स्कीम और ले ऑफ जैसे प्रोग्राम्स हम लगाते हैं और अगर शॉर्टेज है लोगों की अगर कम है लोग हमारे संस्थान में तो हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना होगा तो इस प्रोसेस को विस्तार में समझने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की पर्यावरण स्कैनिंग कैसे की जाती है इसका तात्पर्य संगठन को प्रभावित करने वाली बाहरी ताकतों की व्यवस्थित निगरानी में से है जिसमें कि हम क्या करते हैं एस्पेक्ट स्टडी करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होंगे जिसमें जनरल और रीजनल कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे हमारी तकनीकी बदलाव क्या आ रहे हैं परिवर्तन क्या आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस उसमें देखने को आपको मिलते हैं क्योंकि एज कॉम्पोजिशन लिटरेसी रेट में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं पॉलिटिकल लेगस्लेटिव इशूज़ में जो कि लॉज हमने बात करी थी बहुत सारे लेगस्लेटिव कंट्रोल हैं लेबर लॉज हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल कंसर्न क्या है वुमेंस के रिलेटेड चाइल्ड केयर से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड इन सारे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को हम पहले स्टडी करते हैं हर स्तर में जिसमें हमने पेस्ट कंट्रोल करना पेस्ट की स्टडी करते हैं जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजी लीगल इन्वायरमेंट जैसे रोल प्ले करे जाते हैं दूसरा हम इसमें बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ की हमारे संगठन के क्या उद्देश्य हैं उसकी क्या नीति है ये एक बहुत हद तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एच योजना में मानव संसाधन योजना आमतौर पर संगठनात्मक उद्देश्यों से ली जाती है जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं या जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो डेफिनेटली ये ध्यान में रख के करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है आपके संगठन का क्या उद्देश्य है कर्मचारियों की संख्या उनकी विशेषताओं के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकताएँ संगनात्मक उद्देश्यों से प्राप्त की जानी चाहिए एक बार जब संगनात्मक उद्देश्य सभी संबंधों द्वारा निर्दिष्ट निर्दिषेच और समझ लिए जाते हैं तब मानव संसाधन विभाग को संगठन में मानव संसाधन उपयोग के संबंध में अपना उद्देश्य निर्शिच करना होगा तो ये आपको देखना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में किस कितने लोगों की किस प्रकार के कार्य करने हैं उसको हम सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है उसी के बाद आपकी प्लानिंग आगे बढ़ेगी तीसरा इसमें आता है एच डिमांड एच डिमांड फोरकास्ट जिसमें आप मांग पूर्वानुमान संगठन की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की भविष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया करते हैं वार्षिक बजट दीर्घकालिक कारपोरेट योजना जब गतिविधियों में गतिविधियों में तब्दील हो जाती हैं तो मानव संसाधन पूर्व अनुमान का आधार बनती हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटिफाई दी जॉब्स नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन नंबर ऑफ गुड्स कितने लोगों की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए टू डिटरमाइन दी नेचर ऑफ स्टाफ मिक्स रिक्वायर्ड इन दी फ्यूचर किस तरीके के लोगों की ज़रूरत होगी डाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए टू एक्सेस अप्रोप्रिएट लेवल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो हैज टू अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लोग हम ना भर्ती कर लें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल व्हेन एंड व्हेन इट इज़ नीडेड आपके यहाँ पे अगर शॉर्टेज है तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे और मॉनिटर करना कम्प्लायसेज को रीगर कम्पलायंसेज को जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगल कम्पलायंसेज हैं ताकि हम जॉब्स को रिजर्वेशन के द्वारा पूरा किया जा सके इसके बाद है एचआर सप्लाई फोर का जिसमें हम मानव संसाधन आपूर्ति पूर्व अनुमान लगाते हैं आपूर्ति पूर्वानुमान ये निर्धारित करता है कि मानव संसाधन विभाग आवश्यक संख्या में श्रमिकों को प्राप्त करने में सक्षम होगा या नहीं आपूर्ति का पूर्वानुमान अनुपस्थिति अंतरिक्त गतिविधियों और प्रतिनिधि उपवाय और घंटे में बदलाव और काम की अन्य स्थितियों के लिए भत्ता देने के बाद किसी संगठन के भीतर और बाहर से उपलब्ध होने की संभावना वाले लोगों की संख्या को मापता है ये टेकअप करता है इंटरनल मूवमेंट्स को प्रमोशंस को वेस्टेजेस को चेंजेस इन आर्स को एंड अदर वर्किंग कंडीशंस को जिसमें कि हम बात करते हैं हेल्प इन क्वांटिफाइंग दी नंबर ऑफ पीपल एंड पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन द फ्यूचर टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रज़ इट्स प्लान एंड मीट्स इट ऑब्जेक्टिव ये ये भी देखता है कि स्टाफ मिक्स विल अराइज इन द फ्यूचर ये एस करता है एग्जिस्टिंग स्टाफ्स को जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के विभाग में कार्य कर रहे हैं यह भी इनेबल करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो शॉर्टेज है लोगों की उसको कैसे पूरा किया जाए और ये ये भी देखता है कि फ्यूचर कम्प्लायसेज जो आ रहे हैं लीगल कम्प्लाइंसेज जो है हमारी जॉब रिजर्वेशन को लेके उसको हम पूरा कर सके जैसे हमने एच डिमांड में बात की थी एच प्रोग्रामिंग क्या करता है एक बार जब किसी संगठन में कर्मियों की मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है तो मांग और आपूर्ति और संतुलित कराने की आवश्यकता होती है ताकि रिक्तियों को सही समय पर सही कर्मचारियों द्वारा भरा जा सके मानव संसाधन योजना कार्यान्वयन मानव संसाधन कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन योजना के को कार्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है कि एक विभाग के रूप में कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की गई है तो एच प्लानिंग जो है वो बेसिकली हेल्प करता है आपके प्रोग्रामिंग जो है वो ये मीट आउट करने की कोशिश करता है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है या नहीं है या अगर हमारी कोई वैकेंसीज है उसे हम कैसे सही समय पे पूरा करेंगे एचआर आर कैसे होगा और एच आर के लिए हम एच प्लान को एक्शन में कैसे लेकर आएंगे वो सारी चीज़ें हम एच प्रोग्रामिंग के तहत करते हैं उसके बाद आता है एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमने प्लानिंग करी है जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारी चीज़ें हैं वो आती हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिटायरिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट रिटेंशन प्लान सक्सेशन प्लान जिसको कि हम एक साथ क्लब करके उन सारे प्लानिंग्स को प्रोग्रामिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इसी में आगे हम बात करते हैं कंट्रोल एंड एवेल्यूशन की जब हम प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हमारा कंट्रोल और इवेल्यूशन पूरी तरीके से हो रहा है कि नहीं वो फाइनल फेज तक एच आर प्लानिंग प्रोसेस में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसके बजट्स टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं हमने उनको सही तरीके से इवेलुएट और मॉनिटर किया है या नहीं किया है जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में हमारी जो जॉब्स हैं उनको हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की सक्सेसफुल एच आर प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं होती हैं किस तरीके की चीजें हमें होनी चाहिए तभी हम सही तरीके से जो मानव संसाधन योजना है वो पूरी तरह से हम बना पाएंगे सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एच आर पी मस्ट बी रिकोग्नाइज एज इंटीगर पार्ट ऑफ कारपोरेट प्लानिंग जो भी हम संगना सं, सं, संस्थान के रूप में जो भी प्लानिंग कर कर रहे हैं कॉरपोरेट प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें हम इसको बहुत हद तक इंटीग्रल पार्ट को मान के चलें और समझने की कोशिश करें ताकि हम सही तरीके से उस कार्य को कर पाएँ तो इंटरनल एक, एक, एक इंटरनल पार्ट होना चाहिए एच आर प्लानिंग कॉरपोरेट प्लानिंग का तभी हम उसको उस तरीके से इम्पोर्टेंस दे पाएंगे दूसरा बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट से शीर्ष प्रबंधन का समर्थक आवश्यक है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और आपका मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है डिपार्टमेंट जो प्लानिंग कर रहा है उसमें अगर वो सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये प्लानिंग या योजना करना बड़ा ही असंभव हो जाएगा तीसरा इसमें बहुत ज़रूरत है कि सेंट्रलाइजेशन हो एचआर रेस्पॉन्सिबिलिटी को लोग समझें और कॉर्डिनेशन हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्योंकि जब संस्थान काम करती है अलग अलग लेवल पर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उन लेवल्स में बहुत हद तक एक एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अन्यथा ये प्लानिंग करना बड़ा ही मुश्किल होगा कि कितने लोगों की जरूरत है और किस तरीके से उस जरूरत को पूरा किया जाए ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंप्लीट एंड अप टू डेट एंड रेडिली अवेलेबल आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी दस्तावेज हैं उनको पूरी तरीके से आप अप टू डेट रखें अगर उनमें कहीं कोई कमी होगी तो डेफिनेटली प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी क्योंकि प्लानिंग एक फ्यूचर का पार्ट है आप प्रेजेंट के लिए तो प्लानिंग करते नहीं हैं आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर को आप प्लान आउट करने के लिए फोरकास्ट करने के लिए आप डेटा के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं आज जो प्रेजेंट डेटा है वही आपको मदद करता है कि फ्यूचर की आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दस्तावेज है आपका जो डेटा है आपका जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं वो कम्प्लीट होने बहुत ही ज़रूरी है क्या तकनीकी आप इस्तेमाल करते हैं वो जो बेस्ट सूटेबल टेक्निक्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हों ताकि आप अपने डेटा की एक्यूरेसी को चेक कर सकें और उसमें सही रिजल्ट आप ड्रॉ कर सकें तो जो मैथड्स आप यूज़ कर रहे हैं जो टेक्निक्स आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं उन टेक्निक्स को और मैथड्स को आप सही तरीके से समझें आगे हम इसमें बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन जो हो आपका एनालिसिस जो हो जो टेक्निकल प्लानिंग है उसको आप सही तरीके से कॉन्स्टेंटली रिवाइज करें इंप्रूव करें इन द लाइट ऑफ योर एक्सपीरियंस ताकि आपकी जो प्लानिंग हो वो सही तरीके से हो सके अब हम आगे बात कर रहे हैं एचआरपी बाधाएं बैरियर्स टू तो एचआरपी जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं या मानव संसाधन योजनाएँ बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रुकावट के तौर पे महसूस होती हैं जैसा अभी हमने बात करी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है किसी भी संगठन के लिए क्योंकि ये सुनिश्चित कराना जो आज के ज़माने की बात हम अगर करते हैं कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो बदलावी के तहत में या लोगों का जल्दी जल्दी नौकरियों को छोड़ना उस समय पर ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं कि हम सही तरीके से अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को टेकअप uh, करें और ये इस्टेब्लिश करें कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत होगी किस तरह से हम उनको रिक्रूट करेंगे कहाँ से रिक्रूट करेंगे किस सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और उनको ना केवल आज बल्कि भविष्य के लिए भी हम तैयार करें तो इन सब चीज़ों को करने में जो हमारे से सामने बाधाएं आती हैं उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन पेशेवरों को क्रमिक मामलों को संभालने में विशेषज्ञ माना जाता है लेकिन वे व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञ नहीं हैं संगठनात्मक योजनाओं के साथ उलझने पर मानव संसाधन चिकित्सों द्वारा कल्पना और तैयार की गई क्रमिक योजनाएं संगठन की समग्र रणनीति योजना को अप्रभावी बना सकती हैं जिसमें हम कह रहे हैं एच आर प्रैक्टिशनर्स आर परसिव्ड एज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग पर्सनल मैटर लेकिन ऐसा नहीं है बट कोई भी ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट है मैनेजिंग दी प्रॉब्लम्स कोई भी इस तरीके की समस्या है तो उनको नॉलेज तो है उनके पास एक्सपर्टाइज़ तो है लेकिन वो परिपूरक नहीं है कि वो हर समस्याओं का समाधान निकाल सके तो उनमें प्लानिंग करने में उनको फॉर्मुलेट करने में बहुत ही हद तक हमें उस प्लान को स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है और वो ऑर्गेनाइजेशन में इनफेक्टिव रहता है दूसरा इसमें हम बात कर रहे हैं एच आर इन्फॉर्मेशन ऑफन इज़ इनकम्पैटिबल कई बार वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या जो भी हमारे पास डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं होता इनकम्पैटिबल होता है जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा रही है स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेशन में जिसके आधार पर हम योजनाएं बना रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी नहीं है strategic planning efforts have a long been oriented towards financial forecasting, often to the exclusion of other types of information. Financial forecasting takes precedence over HRP planning. तो यहाँ पर जो organisation से हमें support चाहिए होता है financials uh, understanding का क्योंकि कोई भी planning की जाती है उसमें आपको finance की बहुत requirement है आपको financial uh, forecasting का भी मदद की जरूरत पड़ती है तो अगर वो चीज आपको सही तरीके से यहाँ नहीं हो पा रही है तो आपको उस चीज में बाधा आएगी दूसरा इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक मानव संसाधन आवश्यकताओं के बीच संदर्भ मौजूद हो सकता है उदाहरण के लिए काम को समय पर पूरा करने के दबाव और लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार करने जैसी दीर्घकालिक जरूरतों के बीच संघर्ष हो सकता है कई प्रबंधनों का मानना है कि मानव संसाधन आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया जा सकता है क्योंकि कौशल बाजार में तब तक उपलब्ध हैं जब तक वेतन और वेतन परिस्थिति है इसलिए लंबी अवधि की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है केवल छोटी योजनाओं की आवश्यकता है तो कॉन्फ्लिक्टराइज होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एच नीड में जैसे कि देर कैन बी ए कन्फ्लिक्ट दी प्रेशर टू गो वर्क अंडर ऑन टाइम लॉन्ग टर्म नीड्स सच एज प्रिपेयरिंग पीपल फॉर अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर

तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एच नीड्स में इसी के आगे कन्फ्लिक्ट आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच में किस तरह की की अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं सम पीपल व्यू एच आर पी एज अम नंबर गेम डिजाइन टू ट्रैक दी फ्लो ऑफ पीपल अक्रॉस दी डिपार्टमेंट एंड अदर्स टेक क्वालिटेटिव अप्रोच एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉज कंसर्न सच एज प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट सो द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अचीव इफ देर इज अ बैलेंस बिटवीन क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच अगर आप दोनों में सही तरीके से एक बैलेंस मात्रा में अगर आप संतुलन बना के चल रहे हैं तो आप उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ना कि केवल एक क्वालिटेटिव अप्रोच आप फॉलो करें या ही केवल आप क्वान्टिटेटिव अप्रोच को आप फॉलो करें एंड इन दी लास्ट वी आर सेंग नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेइज ऑपरेटिंग मैनेजर्स रेंडर्स एच आर पी इन इफेक्टिव एच आर पी इज़ नॉट HR एन एच आर डिपार्टमेंट फंक्शन सक्सेशन प्लानिंग नीड्स अ the part ऑन operating पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर एज एच आर पर्सनल तो ऑपरेटिंग मैनेजर जो है वो केवल काफ़ी नहीं है बहुत ज़रूरी है कि एच आर डिपार्टमेंट का भी उसमें योगदान रहे सक्सेसफुल नीचर प्लानिंग के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है सबका मिल के साथ चलना बहुत ज़रूरी है तभी वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी आगे हम बात करते हैं सोर्सेज की हमारा जो व्याख्यान है व्याख्यान नंबर चार उसका जो भी विषय है सूची है वो हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है जिसमें हमने बिस्को की किताब से और क्लस की किताब से हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करती है उससे हमने लिया है कैस्को डब्ल्यू एफ़ मानव संसाधन प्रबंधन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ वर्क पर हमने इससे लिया है टाटा मैग्रोहिल की ये किताब है डेस्लर की किताब है जी डेस्लर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे पियर्सन पब्लिशर हैं इसके गिलमोर और विलियम्स की किताब से हमने इसका सूची ली है गोमेज़ माज़िया एल बाकिन काडीज आ, की ये किताब है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स न्यू डेली पी एच आई लिमिटेड से लेबिन मरबर एंड माकी की बुक है जो सक्सेशन मैनेजमेंट पे लिखी गई है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सक्सेशन प्लानिंग एचआर प्लानिंग के साथ स्मिथ की ये किताब है जिसमें प्रैक्टिसिंग सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बात की गई है नेह और मैकलिन 2011 की किताब सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजल एथिक्स इन दी रियल रिटेल इंडस्ट्री एंड तेबेस्टी लेखिन की एक किताब है जिसमें आप स्टडी ऑफ सक्सेशन प्लानिंग चैलेंजेस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं इसी के साथ आज का व्याख्यान हम खत्म करते हैं धन्यवाद बहुत बहुत